मनुष्य के दुख का कारण उसका प्रेम ही है वो जितना अधिक मोह करेगा उतना ही अधिक कष्ट भी उसे भोगने को मिलता है नमस्कार मैं हूँ मोहित कमल श्रीमाली आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 15 जून के इस विशेष एपिसोड में साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्मदिवस है मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है आइए सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की आज तारीख 15 जून 2022 है और दिन बुधवार का है आज के विशेष उपाय में भाग्य क्या है भाग्य बनता कैसे है ये इस एपिसोड के अंत में बतलाऊंगा पंचांग की बात करते हुए आगे बढ़ते हैं संवत दो यानी कि 2079 का आषाढ़ कृष्ण पक्ष चल रहा है प्रतिपदा तिथि है सुबह के एक बज इकतीस मिनट तक जिसके बाद में द्वितीय तिथि आरंभ होगी मूला नक्षत्र रहेगा आज के दिन तीन बज के बत्तीस मिनट तक जिसके बाद में पूर्व साढ़ा नक्षत्र आरंभ होगा धनु राशि का चंद्रमा रहेगा राहु काल का समय दोपहर के बारह बजे से लेकर डेढ़ बजे तक रहेगा अब यहां पे शुभ चौघड़िया मुहूर्त जो है जिसमें माना जाता है हर मांगलिक काम की शुरुआत होती है हर अच्छे काम की यहां पर शुरुआत की जा सकती है हर बहुत बड़ी परचेज जो आप करने वाले हैं वो इस समय में करने से आपके लिए शुभ और लाभकारी सिद्ध होती है तो वो समय है सुबह के पांच बज के उन पचास मिनट से आठ बज के उन पचास मिनट तक और वापस से दोपहर के समय में चार बज के उन्नीस मिनट से पांच बज के उन पचास मिनट तक ऐसे में अगर आप चाहते हैं जो आप यात्रा करने के लिए बाहर निकल रहे हैं वो यात्रा शुभ रहे जिस काम को करने के लिए निकल रहे हैं वो काम पूरा हो अच्छी कमाई करके लौटे तो पूर्व दिशा और दक्षिण दिशा में यात्रा करना आज आपके लिए शुभ रहने वाला है वहीं पे उत्तर दिशा में कोशिश कीजिएगा कि यात्रा ना करनी पड़े पर अगर करनी बहुत जरूरी हो तो ऐसे में तिल खाकर के अपनी यात्रा आरंभ करें यह दिशाशूल दोष का परिहार होगा आज सूर्योदय कालीन कुंडली में संख्यापाश योग हंस महापुरुष योग गज केसरी योग सम योग वैशी योग काहल योग और लक्ष्मी योग जैसे राजयोगों का आपको साथ मिलने वाला है पर यहां पे बात यह समझने की होती है कि राजयोग हर किसी की कुंडली में होते हैं तो वहीं पे दुर्योग भी हर किसी की कुंडली में होते हैं हर किसी की कुंडली में सिर्फ और सिर्फ सफलता नहीं लिखी होती और हर किसी की कुंडली में सिर्फ और सिर्फ दुख नहीं लिखा होता हर किसी की जिंदगी में एक दौर आता है उस दौर को पहले ही पहचान लेने पे उसके लिए बहुत श्रम करने पे आप उस दौर को बहुत अच्छे से जी पाते हैं अगर आप भी इनी सवालों से परेशान है कि आपकी जिंदगी में वो समय कब आएगा वो दौर कब आएगा जब सिर्फ और सिर्फ आपके नाम का सिक्का चल पड़े तो ऐसे में आपको थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी अपने आप की कुंडली विश्लेषण करवाने के लिए आपको साइड में दिए गए नंबर्स पे अपना अपॉइंटमेंट नोट कराना होगा क्योंकि जैसा आप सब जानते हैं कि जून महीने में हम मुंबई पूना दिल्ली और पटना आ रहे हैं आप इन शहरों में या इन शहरों के आसपास में जहां पे भी रहते हैं और आकर के मिलना चाहते हैं तो ऐसे में आपको अपॉइंटमेंट लेने के बाद में ही यह सुविधा उपलब्ध हो पाएगी अपना अपॉइंटमेंट जल्द से जल्द नोट कराइए ताकि जब हम आए आपके शहर में तो आप हमसे मिल सके और अपनी कुंडली पे चर्चा कर सके अब बात करते हैं आज के राशिफल की और सबसे पहले बात करूंगा मेष राशि की तो मेष राशि के लिए राशि भाव से नाइन्थ हाउस में चंद्रमा है प्रत्यारी तारा का साथ और अष्टक वर्ग में ट्वेंटी डॉट्स जो आज के दिन को आप मान करके चलिए कि 45 परसेंट तक आपके लिए सपोर्टिव बनाते हैं ऐसे में आज के दिन पुत्रों से मतभेद होने की संभावनाएं ज़्यादा बन रही हैं जो भी लोग यहाँ पे शादीशुदा हैं जिनके बच्चे हैं तो आज के दिन सोच समझ करके कोई भी बात करें कोशिश करें कि प्यार से अगर बात कर करके अपनी बात समझा सकते हैं तो वो ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहने वाला है वरना सुबह के समय में ही अपने मूड को ख़राब करके बाहर निकलने से परेशानियाँ आपके लिए ज़्यादा बढ़ सकती हैं काम काज के अंदर भी आज के दिन आपको यहाँ पे परेशानी ज़्यादा देखने को मिल सकती है लॉसेज नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पे ये बात का ध्यान रखिएगा कि लॉसेज नहीं मिलेंगे बल्कि फ्रस्ट्रेशन होना या तो फिर जो भी काम कर रहे हैं उसमें इरिटेशन बहुत कॉज होने से आपको यहाँ पर चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है आज मन में अशांति बहुत ज़्यादा है कोई ऐसी बात को सोच करके आप बहुत परेशान हो रहे हैं और स्वयं की हेल्थ को भी खराब कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ सोच करके इस बारे में आज के दिन आपको ज्यादा जागरूक रहने की जरूरत है आज कोशिश कीजिएगा अपने परिवार के साथ में शाम के समय में कहीं तीर्थ यात्रा के लिए या तो फिर आसपास में कोई मंदिर है है तो वहां पे जाकर के थोड़ी देर बिताना आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रह सकता है, आपको बहुत शांति दे सकता है और आपके परिवार के लिए एक बॉन्डिंग का समय यह बन सकता है शुभ रंग रहेगा ऐसे में आपके लिए ब्राउन कलर शुभ अंक रहेगा नंबर थ्री अब बात करते हैं वृषभ राशि की वृषभ राशि के लिए एट हाउस का चंद्रमा होना वहीं पे संपत तारा का साथ और अष्ट वर्ग में डॉट्स का होना आपके लिए 67 परसेंट आज के दिन को सपोर्ट का बनाता है ऐसे में घर परिवार के साथ में कला कलेश का वातावरण होना या तो फिर स्वयं के नहीं बल्कि घर के अंदर दूसरे मेंबर्स के झगड़ा करने से या तो फिर मन मुटाव से आप अपने आप को बहुत ज्यादा परेशान कर सकते हैं ऐसे में चोट लगना या तो फिर कोई यात्रा कर रहे हो उसमें दुर्घटना होने से या तो फिर कोई ना कोई लॉस मिलने से आप परेशान ज़्यादा होते हुए नजर आ सकते हैं ससुराल पक्ष से भी आज के दिन आपके तनावपूर्ण संबंध हो सकते हैं और दाम्पत्य जीवन में भी आज के दिन आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ मनमुटाव के कारण परेशानियां ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं पर यहाँ पे जो हमें 67 परसेंट सपोर्ट मिल रहा है इसका मतलब ये है कि चाहे हम हमारे खुद के परिवार से घर के अंदर से दुखी क्यों ही ना हो पर बाहर जो दोस्त हैं कलीग्स हैं रिश्तेदार हैं उनसे बात करके या उनके सपोर्ट से हम जो भी परेशानी है उसे बाहर कुछ समय के लिए जरूर निकल सकते हैं ऐसे में शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर शुभ अंक रहेगा नंबर टू अब बात करते हैं मिथुन राशि की मिथुन राशि के लिए सेवंथ हाउस का चंद्रमा होना अधिमित्र तारा का साथ मिलना और अष्टक वर्ग में ट्वेंटी डॉट्स का होना यह आपके लिए हंड्रेड सिचुएशन आज की पॉजिटिव बना रहा है ऐसे में सबसे पहले गेन ही गेन आज के दिन आपको मिलने वाला है बहुत प्रॉफिट मिलने वाले हैं खास तौर पे जो भी लोग आज के दिन प्रॉपर्टी डीलिंग करते हैं ब्रोकरेज का काम करते हैं कमीशन एजेंट्स हैं उनके लिए आज का दिन बहुत अच्छा बीतने वाला है ऐसे में सुख सुविधाओं की प्राप्ति भी आपको होगी बड़े लोगों के साथ में मिलना जुलना हो सकता है ऐसे लोगों पर अपना इंप्रेशन डालने का आपको मौका मिल सकता है जीवन साथी के द्वारा आज के दिन आपको गेन भी मिल सकता है और यहाँ पर जो भी गवर्नमेंट जॉब करते हैं या तो फिर पुलिसकर्मी है उनके लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है बहुत शुभ रहने वाला है लाभकारी भी सिद्ध हो सकता है बस यहां पे बात यही है कि अपने आप को लेकर के थोड़ा आपको यहां पे हेल्थ को लेकर के परेशानी देखने को मिल सकती है ओवरऑल दिन बहुत पॉजिटिव है इस पॉजिटिविटी को आप पूरे तरीके से इंजॉय करने की आज के दिन कोशिश जरूर कीजिएगा शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर शुभ अंक रहेगा नंबर फाइव अब बात करते हैं कर्क राशि की तो कर्क राशि के लिए राशि भाव से सिक्स हाउस में चंद्रमा है जो शुभ माना जाता है शेम तारा का साथ और अष्टक वर्ग में भी ट्वेंटी नाइन डॉट्स का होना हंड्रेड परसेंट आपके दिन को पॉजिटिव बनाने का काम करता है तो ऐसे में हेल्थ वाइज कोई भी समस्या चल रही थी तो उससे आज के दिन छुटकारा मिल सकता है घर में किसी बात को लेकर परेशानी थी जिससे आप स्वयं को भी परेशान कर रखे थे तो उसमें आज के दिन खुद करके उस बात का सोल्यूशन निकालने में आज के दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी जो यंगस्टर्स है जॉब इंटरव्यूज देने जा रहे हैं ग्रुप डिस्कशन के लिए जा रहे हैं कॉलेज की यहाँ पे आपको एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें आज के दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी जो नौकरी करने वाले लोग हैं उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव दिन रहने वाला है ऐसे में जो जॉब चेंज करने की कोशिश कर रहे थे स्विच ओवर करने की कोशिश कर रहे थे उनके लिए और भी ज़्यादा अच्छा दिन है नई नॉलेज मिलने से नई इन्फॉर्मेशन मिलने से आज जिस कंपनी में आप जाना चाहते थे उस डिसीजन को स्ट्रॉन्ग करने में आपको यहाँ पर सहायता मिलेगी ऐसे में घर परिवार के साथ में तो बहुत सा अच्छा समय आपका बीतने वाला है जो बिजनेसमैन है उनके लिए भी आज के दिन बहुत शुभ है बहुत अच्छे से कमाई करने के मौके मिलेंगे नए नए सोर्सेज आज के दिन ढूंढने को मिलेंगे और ऐसे में अपने जान पहचान के क्षेत्र में आप कहीं ना कहीं पर किसी के द्वारा आज के दिन आपको गेंद मिल सकता है शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए ब्लू कलर शुभ अंक रहेगा सेवन अब बात करते हैं सिंह राशि की तो सिंह राशि के लिए राशि भाव से फिफ्थ हाउस में चंद्रमा है वहीं पे विपत तारा का साथ मिलना और अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स का होना ये आपके लिए सिचुएशन 33 परसेंट सपोर्ट की बनाता है आज के दिन ऐसे में घर परिवार के साथ में परेशानियां देखने को मिल सकती है दांपत्य जीवन में परेशानी देखने को मिल सकती है माता जी के साथ में कोई परेशानी हो सकती है आसपास के लोग जो हैं वो आपको गुस्सा दिलाने का काम करेंगे आपको मोजाल में अटकाने की कोशिश करेंगे आपके पास में नई नई चीज़ें लेकर के आएंगे कि आपसे कैसे पैसे बाहर निकालें इस चीज पे आपको बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है कोई भी ऐसा इंसान सामने आता है जो आपसे पैसे मांगता है यानी कि कोई आपको पॉलिसी बता रहा है कोई ऐसी स्कीम बता रहा है और आपसे पैसे ऐटना चाहता है तो ऐसे में एक ही बात बोलना सबसे बेस्ट रहेगा कि अभी मैं फाइनेंशियली इतना स्टेबल नहीं हूं मुझे थोड़ा समय दीजिए मैं इसमें इन्वेस्ट जरूर करूंगा बहुत अच्छी स्कीम है पर थोड़ा समय दीजिए यहां पे ध्यान रखिएगा थोड़ा समय दीजिए इस पे जोर आप बनाए रखिएगा आज के दिन अशांत माहौल के कारण अपनी हेल्थ को भी आप गड़बड़ा सकते हैं लेकिन जो भी प्रॉब्लम्स है उससे बाहर निकलने का रास्ता आपको जरूर मिलेगा जो 33% परसेंट सपोर्ट है वो सिर्फ और सिर्फ इसके कारण आपको मिल रहा है सही सोच करके सही समय पे सही एक्शन ले करके आप अपने लिए रास्ता बना सकते हैं ऐसे में शुभ रंग रहेगा व्हाइट कलर जो आपको स्टेबिलिटी देने का काम करेगा और शुभ अंक रहेगा नंबर वन अब बात करते हैं कन्या राशि की तो कन्या राशि के लिए राशि भाव से फोर्थ हाउस में चंद्रमा है जो नेगेटिव माना जाता है पर यहाँ पे अधिमित्र तारा का साथ मिल जाना और अष्टक वर्ग में भी ट्वेंटी थ्री डॉट्स का होना आपके लिए सिक्सटी सेवन परसेंट तक का सपोर्ट भी खड़ा कर देता है जिसके कारण आसपास के लोगों से परेशानी जरूर देखने को मिल सकती है मेंटली टॉर्चर होने की स्थिति बन सकती है जो काम कर रहे हैं जो बिजनेसमैन है उनको भी जो काम कर रहे हैं उसके अंदर परेशानी या विघ्न जिसको बोलते हैं हेकअप्स बोलते हैं वो देखने को मिल सकते हैं पर क्योंकि 67 परसेंट सपोर्ट है इसका मतलब यही है कि फाइनेंशियली कोई लॉसेस नहीं होंगे आसपास के लोगों से सहायता मिलने के कारण जो परेशानी है उसका सोल्यूशन भी मिल जाएगा जो लोग बहुत गुस्सा हैं जो आपको गुस्सा दिलाने का काम कर रहे हैं जो आपके अंदर बहुत ज्यादा क्रोध है उसको फोड़ने का काम कर रहे हैं आप फुट करके जो रिएक्शन दे सकते थे उसको कंट्रोल करने का काम कर रहे हैं वहां से आपका बचाव जरूर हो सकता है ऐसे में आज के दिन अपनी जुबान पे थोड़ा कंट्रोल रखिएगा क्या बोलते हैं किस तरीके से बोलते हैं किन को बोलते हैं वो थोड़ा सोच समझ करके काम कीजिएगा ऐसे में शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर शुभ अंक रहेगा नंबर फोर अब बात करते हैं तुला राशि की तुला राशि के लिए राशि भाव से थर्ड हाउस में चंद्रमा है संपत्त तारा का साथ और अष्टक वर्ग में भी थर्टी टू डॉट्स जो आज के दिन को हंड्रेड परसेंट पॉजिटिव बनाने का काम कर रहे हैं ऐसे में आज के दिन लैंड प्रॉपर्टी बिल्डिंग शॉप आप कोई भी चीज खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए अगर आप ऑलरेडी प्रयासरत थे तो आज का दिन आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ बन सकता है ऐसे में धन आगमन की भी यहाँ पे योग बनते हैं आपके लिए सुख सम्मान प्रतिष्ठा में भी वृद्धि देखने को मिलती है ओवरऑल बहुत भाग्यशाली दिन बोला जा सकता है ऐसे हैप्पी कोइंसिडेंसेस जिसे बोलते हैं लकी कोइंसिडेंसेज जिसे बोलते हैं वो आज के दिन आपको अपने साथ में होते हुए जरूर नजर आएंगे ओवरऑल जिसे बोलते हैं कि मैं लकी महसूस कर रहा हूँ आज ये चीज आज आपके मुँह से जरूर निकल सकती है ऐसे में अपने संतान के साथ में अपने परिवार के साथ में खास लगाव महसूस होना बहुत ज्यादा इमोशनल अटैचमेंट होना यह भी चीज देखी जा सकती है शुभ रंग रहेगा आपके लिए सिल्वर कलर शुभ अंक रहेगा नंबर नाइन अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की तो वृश्चिक राशि के लिए सेकंड हाउस का चंद्रमा प्रत्यारी तारा का साथ अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स ये आज के दिन को आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 40 परसेंट सपोर्ट का बना रहे हैं ऐसे में चीज़ों को लेकर के डिससेटिस्फैक्शन महसूस होना अपनी एफर्ट्स को लेकर अपने आसपास के लोग अगर आप खुद के एफर्ट को लेकर परेशान नहीं है तो आसपास के लोग जो आपके लिए काम कर रहे हैं उनकी एफर्ट्स को देख के आपको लगेगा कहीं ना कहीं पे कमी है और इस कमी को देखने पर आप उनके ऊपर बरस सकते हैं अपना गुस्सा उन पर निकाल सकते हैं जो आपके लिए आज के दिन प्रॉब्लम्स खड़ी कर सकता है ऐसे में विवाद होना झगड़े होना घर परिवार में ही बहुत ज़्यादा बड़ा कलेश हो जाने से आपको परेशानी देखने को मिल सकती है पैसों का नुकसान भी उठाना पड़ सकता है और स्वयं की हेल्थ को लेकर के भी यहाँ पे आपको कोई ना कोई परेशानी देखने को मिल सकती है चाहे वो छोटी सी बात ही हो कि ब्लड प्रेशर शूट अप हो गया बहुत ज्यादा हेडेक हो गया शुगर डाउन हो गया तो इन चीजों से जो लाइफ थ्रेटनिंग चीजें हैं उस स्टेज पर ना जा के उससे कुछ ज्यादा सिवियरिटी पे नहीं बात करें तो ये प्रॉब्लम्स आपको देखने को जरूर मिलेंगी आज शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए पर्पल कलर शुभ अंक रहेगा नंबर एट अब बात करते हैं धनु राशि की धनु राशि के लिए राशि भाव में ही चंद्रमा का होना आपके लिए बहुत पॉजिटिव माना गया है अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स का होना यह भी आपको पॉजिटिविटी प्रदान करता है पर वध तारा का साथ मिलने से पॉजिटिविटी में कुछ कमी आपको देखने को मिल सकती है यहां पे यह बोल सकते हैं कि 80 परसेंट तक आज का दिन आपके लिए पॉजिटिव सिद्ध होगा ऐसे में कोई भी इन्वेस्टमेंट से लाभ मिलना नई नई स्कीम्स आप स्वयं पता कर रहे हैं उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे आपको लाभ मिलना जो डे ट्रेडिंग करते हैं कमोडिटी ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए आज का दिन बहुत अच्छा जा सकता है ऐसे में अच्छा खाने पीने को मिलेगा बड़े बड़े लोगों से मिलने को मिलता है कोई कॉन्फ्रेंस हो या तो फिर कोई मीटिंग है कोई फाइव स्टार होटल में रख दी गई वहाँ की हॉस्पिटैलिटी जो है वो भी इंजॉय करने का मौका मिलेगा और अपना काम पूरे लगन से करने का यहाँ पे आपके लिए वातावरण जरूर बन जाएगा ऐसे में आनंद आज के दिन आपको जरूर मिलेगा संपत्ति का सुख मिलेगा जीवन के अंदर हर तरीके से आज के दिन बहुत ही लकी फील होगा अपने परिवार का साथ मिलना अपने लाइफ पार्टनर का साथ मिलना अपने भाई बहन का अपने कहने में होना जो आप बात बोल रहे हैं उसका सीधे सीधे मुंह से उनको मान लेना ये चीज़ देखी जा सकती है जो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे खुश कर देगी ऐसे में शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर शुभ अंक रहेगा नंबर वन अब बात करते हैं मकर राशि की तो मकर राशि के लिए राशि भाव से ट्वेल्थ हाउस में चंद्रमा है जो नेगेटिव माना गया इमोशनली टॉर्चरिंग माना जाता है इमोशनली ड्रेनिंग माना जाता है वहीं पे मित्र तारा का साथ मिलना अष्टक वर्ग में ट्वेंटी एट डॉट्स का होना आप यहां पे बोल सकते हैं कि सिक्सटी परसेंट तक आपको सपोर्ट भी दे रहा है पर क्योंकि ट्वेल्थ हाउस का चंद्रमा है तो अपना असर जरूर दिखाएगा इसके कारण अंदर ही अंदर से डर लगना भयभीत होना जो काम कर रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होना बॉस के पास में आते ही अपने सीनियर के पास में आते ही आपका घबरा जाना आप जो काम कर रहे हैं उसमें गलती कर देना ये चीज़ देखी जा सकती है वहीं पे जो फैमिली बिजनेस करते हैं या फैमिली के अंदर ही बिज़नेस करते हैं उनको भी अपने हेड से फैमिली हेड से यानी कि पिताजी हो गए दादाजी ताऊजी हो गए उनसे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रूखा व्यवहार देखने को मिल सकता है ऐसी चीज़ें उनसे सुनने को मिल सकती है जो आपको इमोशनली हर्ट कर दे आज के दिन हेल्थ वाइज भी आज का दिन बहुत ज़्यादा शुभ नहीं बोला जा सकता ऐसे में जो काम कर रहे हैं उसमें भी फोकस नहीं है जो खा रहे हैं उसके अंदर भी सेटिस्फैक्शन नहीं है घर परिवार से जो चीज़ें एक्सपेक्ट करते थे वो एक्सपेक्टेशंस पूरी ना होने के कारण आज बहुत उदास और मायूस आप हो सकते हैं ऐसे में शुभ रंग रहेगा आपके लिए सिल्वर कलर शुभ अंक रहेगा नंबर फाइव अब बात करते हैं कुंभ राशि की कुंभ राशि के लिए राशि भाव से लेवेंथ हाउस में चंद्रमा का होना यह शुभ माना जाता है वहीं पे मित्र तारा का भी साथ मिल जाना अष्टक वर्ग में भी थर्टी वन डॉट्स मिल जाना ये हंड्रेड परसेंट आज के दिन को पॉजिटिव बना रहे हैं जिसके कारण आज के दिन कोई नई जानकारी से कोई नई टेक्नोलॉजी से आपको फायदा हो सकता है आप जो काम कर रहे हैं उसमें भी बहुत समय से चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे थे प्लान कर रहे थे एक नई टेक्नोलॉजी को अपने वर्क प्लेस में लाना तो वो आज के दिन मुमकिन हो सकता है इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा भी देखने को मिल सकता है आपकी एफर्ट्स कम हो सकती है और आपके क्वालिटी जो है काम की वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है ऐसे में बिजनेसमैन भी आज के दिन खूब अच्छे से मेहनत करके बहुत अच्छे से पैसे कमाने का काम करेंगे जो उनकी एक्सपेक्टेशन है जो आप यहाँ पर उम्मीद करके आज के दिन बाहर निकले थे कि इतनी कमाई हो जाए तो बहुत है तो उससे तो बेहतर ही आज के दिन आप कमाई करके वापस घर पर लौटने वाले हैं आज विवाह संबंध भी तय हो सकता है जो भी यहाँ पे योग्य युवक है या युवती है इसी के साथ में स्वास्थ्य में सुधार भी देखने को मिलेगा और यात्रा करने से खास तौर पे आज के दिन कोई ट्रैवल करने वाले हैं तो उस ट्रैवलिंग के कारण आपको यहाँ पे अच्छा खासा मुनाफा मिल सकता है शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर शुभ अंक रहेगा नंबर नाइन अब बात करते हैं मीन राशि की तो मीन राशि के लिए राशि भाव से टेंथ हाउस में चंद्रमा है वध तारा का साथ और अष्ट वर्ग में थर्टी सेवन डॉट्स जो ओवरऑल सिचुएशन को सेवेंटी परसेंट तक आज के दिन आपके लिए पॉजिटिव बनाते हैं ऐसे में अपने नाम का इस्तेमाल करके बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम जो है उसको चुटकियों में हल कर देना आज के दिन आपके लिए मुमकिन होगा ऐसे में सुख सुविधाएं आपको पूरी मिलेगी सफलता ज़रूर मिलेगी घर परिवार का पूरा साथ सपोर्ट और प्यार मिलेगा और जो भी यहाँ पे यूट्यूबर्स हैं इन्फ्लुएंसर्स हैं या तो फिर पब्लिक फिगर्स हैं पॉलिटिशियंस हैं जिनको हम बोलते हैं तो उनको यहाँ पे सफलता ज़रूर मिलेगी जो बात कर रहे हैं जो अपना मैसेज वो कन्वे करना चाहते हैं वो सही मायने में कन्वे होगा और सामने से वापस रेसिप्रोकेट बहुत अच्छे से होगा जिसके कारण जो उनको परेशानियां देखने को मिल रही थी तो उस परेशानी से आज के दिन छुटकारा उनको मिल सकता है आज के दिन अगर जहाँ पे आप नौकरी करते हैं वहाँ पे अचानक से कोई बदलाव हो रहा है आपके सीनियर्स बदल गए या तो फिर आपका ऑफिस बदल दिया गया है तो ऐसे में इस बदलाव को लेकर के बहुत चिंतित ना होइएगा ये बात ध्यान रखिएगा ये जो बदलाव है यह आपके लिए सफलता की पहली सीढ़ी है इस सीढ़ी पर सीधे सीधे आपको आगे बढ़ते रहना है ज्यादा सोचेंगे विचारेंगे कोशिश करेंगे कि यह बदलाव ना हो तो इसके कारण खुद की सफलता को यहां पर ठोकर मार देंगे आप ऐसे में शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर शुभ अंक रहेगा नंबर थ्री ये तो हुई बात आज के राशिफल की आइए बात करते हैं आज के विशेष उपाय की कि भाग्य क्या है भाग्य बनता कैसे है हम अक्सर ये एक दूसरे को या कहते हैं या सुनते हैं कि भाग्य का लिखा कोई मिटा नहीं सकता मतलब जो भाग्य में है वो होकर रहेगा पर हम ये नहीं सोचते कि भाग्य है क्या भाग्य बनता कैसे है ईश्वर कैसे ये दिमाग में लाता है कि इसके भाग्य में पैसा हो या दरिद्रता हो ईश्वर भी कुछ सोच रख कर ही भाग्य बनाता होगा तभी तो बोलते हैं कि विधाता ने भाग्य लिखा है वो भाग्य बनाते समय किस बात को प्रधानता देते होंगे जाहिर सी बात है वो है हमारे कर्म ईश्वर कर्म के हिसाब से भाग्य बना देता है पूर्व जन्म में या पूर्व समय में हमने जो भी कर्म किए उन्हीं सब का फल मिलकर भाग्य रूप में हमारे सामने आता है भाग्य हमारे पूर्व कर्म संस्कारों का ही तो नाम है और इनके बारे में एकमात्र सच्चाई यही है कि वह बीत चुके हैं अब उन्हें बदला नहीं जा सकता लेकिन अपने वर्तमान कर्म तो हम चुन ही सकते हैं ना यह समझना कोई मुश्किल नहीं है कि भूत पर वर्तमान हमेशा ही भारी रहेगा क्योंकि भूत तो जैसे का तैसा रहने वाला है लेकिन वर्तमान को हम अपनी इच्छा और अपनी हिम्मत से अपने अनुसार ढाल सकते हैं हमारे पूर्व कर्म संस्कार जिन्हें हम भाग्य भी कह लेते हैं मात्र परिस्थितियों का निर्माण करते हैं जैसे हमारे जन्म का देश काल घर व्यापार शरीर स्वास्थ्य हमारी इच्छा से नहीं मिलता लेकिन उन परिस्थितियों का हम कैसे मुकाबला करते हैं वही हमारी नियति को निर्धारित करता है कालिदास, बोपदेव नेपोलियन कितने ही नाम गिनाए जा सकते हैं जिन्होंने अपना भाग्य भाग्य के सहारे छोड़कर धोखा नहीं खाया वरना कर्म के प्रबल वेग से सुनहरे अक्षरों में लिखवाया वस्तुतः भाग्य तो हम सभी का एक ही है जिसे कोई बदल नहीं सकता और वह भाग्य है कि हम सभी ने परम पद की पूर्णता की प्राप्ति करनी है जो कर्म योगी है पूरी दृढ़ता हिम्मत और उत्साह से हंसते खेलते सहज ही वहां पहुंचने का यत्न करेंगे दूसरी ओर जो आलसी और तमोगुणी है वह बचने या टालने की कोशिश करेंगे लेकिन कब तक सवाल तो यह भी आता है आखिर चलना तो उन्हें भी पड़ेगा, क्योंकि सचमुच भाग्य को कोई नहीं बदल सकता हम सभी ने संघर्ष के द्वारा अपनी चेतना का विकास करना ही है चाहे या अनचाहे परमात्मा ने मनुष्य को इसलिए तो सोचने समझने की शक्ति दी है ताकि वह अपने पूर्व अनुभवों के आधार पर सही रास्ते का चुनाव कर सके और माया के चक्कर से निकलकर पूरी समझ के साथ पूर्णता के पथ पर आगे बढ़े सुख स्वयं की प्राप्ति में ही है उधार या दान के द्वारा रुपए पैसे खाने तो मिल सकते हैं लेकिन सुख और संतोष नहीं मिल सकता अनंत काल से इस विषय पर बहस चली आ रही है कि कर्म महत्वपूर्ण है या भाग्य जीवन में अगर आपको कुछ पाना है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी कोशिश तो करनी ही पड़ेगी मंजिलें उन्हीं को मिली है जो उसकी ओर कदम बढ़ाते हैं तुलसीदास जी ने भी श्री रामचरित मानस में लिखा है कर्म प्रधान विश्व करी कि हम अपना कार्य करें फल की चिंता बाद में करें किसान जब खेत में बीज बोता है तो उसे यह नहीं पता होता कि बारिश होगी या नहीं जमीन में से बीज से अंकुर फूटेगा या नहीं अगर पौधे आ भी गए तो उस पर फल आएंगे या नहीं लेकिन किसान बीजों को जमीन बोता है और फसल की चिंता ईश्वर पर छोड़ देता है भाग्य का समर्थन करने वाले कहते हैं कि हमें जो सुख संपत्ति वैभव प्राप्त होता है वह भाग्य से होता है जब चार लोग एक समान बुद्धि और ज्ञान रखने वाले एक ही समान कार्य को करें और उनमें से सिर्फ दो को ही सफलता मिले तो हम इसे क्या कहेंगे दो लोगों के साथ भाग्य साथ नहीं था ऐसा एक उदाहरण हम यह दे सकते हैं तो दो व्यक्ति एक साथ लॉटरी का टिकट खरीदते हैं पर लगती लॉटरी एक ही व्यक्ति की है जब दोनों ने लॉटरी खरीदने का कर्म एक साथ किया तो फल अलग अलग क्यों क्योंकि सबके अपने अलग कर्म हैं। वो उसका पहले का संयोजित कर्म ही होता है जिसके परिणाम उसे लॉटरी के रूप में मिल जाता है यही भाग्य है हमेशा की तरह यही प्रार्थना करूंगा कि आप और आपका परिवार सदैव सुखी रहे संपन्न रहे सुरक्षित रहे घर में बड़े बूढ़ों का साथ और आशीर्वाद हमेशा आपके साथ में बना रहे जय श्री राम एवं जय हिंद